हबू का किचन में आज हम बनाएंगे व्हाइट एग कोरमा। बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस व्हाइट एग कोरमा की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, और हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाइट एग कोरमा बनाने के लिए यहाँ पर हमने 5 बॉयल अंडे लिए हैं। अब अंडे को हम इस तरह से कट लगा लेंगे, सभी अंडे में इसी तरह से कट लगा लेंगे। अब एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद 2 मीडियम साइज की प्याज ऐड करेंगे। अब प्याज को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और प्याज को सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज सॉफ्ट हो जाने के बाद 5 से 7 लहसुन की कलियां, 4 से 5 अदरक के टुकड़े, 2 हरी मिर्च और 10 से 12 काजू ऐड करेंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे ढककर लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। लो फ्लेम पर बॉईल करने के बाद प्याज और सभी चीजें सॉफ्ट हो गई है, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा कर लेंगे। ठंडा कर लेने के बाद इसे बारीक पीस लेंगे। अगर जरूरत हो तो 2 बड़े चम्मच जितना पानी ऐड कर सकते हैं। पेस्ट रेडी है। अब उसी कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करके इसे 8 से 10 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें रेडी की हुई पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे और इसे ड्राई कर लेंगे। पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेने के बाद ये ड्राई हो गई है, तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच व्हाइट मरी पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और ढककर लो फ्लेम पर 3 से 5 मिनट के लिए ग्रेवी को कुक करेंगे। ग्रेवी अच्छी तरह से कुक हो गई है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है, तो अब हम इसमें ग्रेवी के हिसाब से 1/2 कप पानी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बॉयल अंडे ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच अदरक, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढककर इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। व्हाइट एग कोरमा रेडी है। आप इसे नान, पराठा या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको व्हाइट एग कोरमा की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।